नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज में आपको कौन से बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर्स देखने को मिलते हैं, कितना डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहें। आगे चलने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक जरूर कर देना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं स्मार्टफोन सेक्शन में, तो आपको दिखा देता हूँ कौन से फोन ऐसे हैं जो कि लेने लायक हैं। सबसे पहले रियलमी 9i अगर आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑफर्स इसके खोल के देखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 10% ऑफ आपको देखने को मिल जाता है डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम जो है 1000 रुपीज़ तक की आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये फ़ोन भी लेना ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ पे 10,000 के अराउंड कोई फ़ोन लेना चाहते हो, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो उसके अलावा एडिशनल 500 रुपीज़ डेबिट कार्ड पे ऑफ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कार्ड ऑफर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड फ़ोन के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी जो ये कह सकते हो क्वेश्चंस आते हैं, पोको M4 प्रो 5G। तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो एडिशनल कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको 10% जो है कार्ड ऑफर ही देखने को मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड है तो 1000 रुपीज़ और डेबिट कार्ड है तो थोड़ा सा कम, यानी 750 या 500 रुपीज़ आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आप ये देख सकते हो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे आपको 250 रुपीज़ का ही ऑफ देखने को मिलता है, जबकि क्रेडिट कार्ड पे 1000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो भी लोग इसको भी परचेज करना चाहते हैं वो देख सकते हो, अगर आपको ये पसंद आता है तो। नेक्स्ट फ़ोन की बात कर ले तो वीवो का T1 है। तो T1 पे देख लेते हैं ऑफ़र क्या आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके सारे ऑफर्स खोल के देखें, 750 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड पे। तो आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड पे 1000 रुपीज़ और डेबिट कार्ड पे आपको 750 रुपीज़ तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, कोई भी एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो नेक्स्ट फ़ोन हम देख लेते हैं कौन सा आपको देखने को मिलता है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे रियलमी 9 को अगर हम खोल के देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है, इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो अगर हम ऑल ऑफर्स खोल के देखें तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ यहाँ पर डेबिट कार्ड पर ऑफ देखने को मिल रहा है, 500 रुपीज़ ICICI बैंक के डेबिट कार्ड पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड पे 1000 रुपीज़ ऑफ देखने को मिल रहा है, साथ ही में एडिशनल आप देख सकते हो 2000 रुपीज़ ऑफ, यानी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो 3000 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, और डेबिट कार्ड से करते हो तो या फिर 2500 तक हो जाएंगे कम। तो आपको ये ऑफर देखने को मिलता है रियलमी 9 में। अब बात कर लेते हैं अलग अलग फ़ोन के बारे में, जो कि शाओमी का 11i। तो इसमें काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके ऑल ऑफर्स खोल के देखते हैं तो आप देख सकते हो डेबिट कार्ड पे आपको 250 रुपये ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे एडिशनल 5000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल रहा है कोई भी कार्ड से अगर आप परचेज़ करते हो। तो प्रीपेड होना चाहिए, मतलब आप कोई भी कार्ड से परचेज़ करते हो 5000 मिलेगा। अगर आप सिर्फ ICICI बैंक या कोटक बैंक से करते हो तो एडिशनल जो इन पर डिस्काउंट मिल रहा है वो भी मिलेगा, प्लस 5000 भी मिलेगा। तो अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर आप ये देख सकते हो आपको 500 रुपीज़ प्लस यहाँ पे 10% कोटक में 750 रुपीज़ देखने को मिल जाता है, तो टोटल यहाँ पे 5750 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है, और अगर आप इस पर कोई कार्ड ऑफर, मतलब अपना कोई पुराना फ़ोन भी एक्सचेंज कर देते हो, तो 15000 के अराउंड ये आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन एकदम ये कह सकते हो कि ज़बरदस्त है बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैमसंग का एक फ़ोन है F13। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है 10000 के अराउंड। तो अगर इसके ऑफर्स की बात कर लो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपीज़ कोटक के क्रेडिट कार्ड पे, और बाकी 250 रुपये डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट है, 500 रुपये ICICI बैंक के डेबिट कार्ड के। यहाँ ट्रांजेक्शन EMI ट्रांजेक्शन नॉन EMI ट्रांजेक्शन का चक्कर है थोड़ा, तो ये आप थोड़ा सा पोज करके अच्छे से पढ़ लें। अगर EMI पे ले रहे हो तब आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे एडिशनल वैसे कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ आपको जो है कार्ड ऑफर ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये फ़ोन भी थोड़ा सा वर्थी है, अगर आप लेना चाहते हो 10000 के अराउंड, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोटरोला का G31। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि अंडर 10,000 ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी एडिशनल डिस्काउंट नहीं है, बट जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप देख सकते हो यहाँ पे 750 रुपीज़ का है, और क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे 1000 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 500 रुपये 750 रुपये लेके 10,000 समथिंग का मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।